अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आल डियर बिजनेस पार्टनर, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज जैसा कि आपको पता है 13 दिसंबर को हमारे सीईओ सैफ फरमान साहब की सब अदालत में हायरिंग है, तो इसी सिलसिले में जनाब मेरे साथ सुदार साहब हैं। तो ये चूँकि हर तारीख पर इधर पेश होते हैं, आते हैं, सीईओ साहब से मुलाकात भी करते हैं और लीगल टीम से भी मुलाकात करते रहते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि तासरात क्या हैं और क्या अपडेट देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम एसआरजी फैमिली को सलाम। आज आए हुए हैं, ठीक है। अभी तक तो सैफ साहब नहीं आए, बाकी लीगल टीम वगैरह के बंदे आ चुके हैं, ठीक है। और कुछ दोस्त अपने जो एसआरजी के हैं वो भी आए हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि केस जो है ना वो बेहतर समत पे चल पड़ा है, क्योंकि पिछले में जब इन्होंने कह दिया ना, ठीक है, कि जो दरख्वास्तें आई थी वो दरख्वास्तें जो है ना कोई पक्की नहीं है, फेक हैं, या लोगों ने उसमें अमाउंट गलत लिखी है, जिसके लाख हैं उसने 10 लाख लिखे हैं, ठीक है, कि भाई चलो ये इस तरह के हैं, तो वो बंदे रबतों में नहीं आए, बस मंदिर से गायब हो गए जिनके थे वो दरख्वास्तें। तो वो केस जो है ना वो फिर सैफ साहब के हक में होने लगा है, तो बेहतरी की उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जो है ना वो बेहतरी रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उम्मीद ये करते हैं कि इसके बाद से जो भी दिन गुजरेगा वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। फिलहाल तो ये सिचुएशन है, बाकी समाप्त होती है तो फिर बताएँगे क्या मामलात हैं, ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम जी, ठीक है दोस्तों, अभी हम इंतज़ार में खड़े हैं, सीईओ सैफ फरमान साहब थोड़ी देर तक आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो भी अपडेट होगी वो तमाम ग्रुपों में शेयर की जाएगी। तो तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह पाक की ज़ात हमारे सीईओ सैफ फरमान साहब को जल्द अज जल्द रिलीज़ करें और इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर ले कर आगे चलें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह।